नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। आम बजट से पहले बिहार सरकार ने की केंद्र सरकार से मांग, आम बजट जल्द ही पेश होने वाले हैं। हालांकि बजट पेश होने से पहले ही बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के सामने कई सारी मांगे रखी हैं, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार से जुड़ी कई मांगों को रख दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में तारकिशोर प्रसाद ने कई मांगों को केंद्र सरकार के सामने पेश किया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजकोषीय घाटा सीमा को 5% करने का अनुरोध किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष 2020-21 के बजट हेतु रखे महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने FRBM के तहत उधार लेने की सीमा 1% सशर्त उपलब्ध को बिना शर्त उधार में परिवर्तित करने का अनुरोध भी किया है। पार्टी के मजबूतीकरण के कार्य में जुटा हम इन दिनों पार्टी के मजबूतीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। इसको लेकर बीते दिनों युवा एकता सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हमारी पार्टी की मजबूती में युवा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका देखने को मिली है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम अपने कार्यकर्ता को सरकार में भी भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 6 महीने में पार्टी के मजबूतीकरण के लिए 1,00,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। डीजीपी एसके सिंघल का बढ़ा कार्यकाल। बिहार में बढ़ रहे अपराध के कारण कई दिनों से डीजीपी एसके सिंघल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दे दी थी, जिसमें यह कहा गया है कि उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के संबंध में जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से गठित इम्पैनलमेंट समिति की तरफ से पुलिस प्रमुख के तौर पर डीजीपी की अनुशंसा की गई है। राजद ने श्याम रजक को लेकर की अपनी भूल सुधार। राजद ने श्याम रजक को लेकर की गलती को सुधार लिया है। महज 11 दिनों में ही श्याम रजक का राजद में प्रमोशन कर दिया गया है। पार्टी ने इससे पहले श्याम रजक को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद जदयू की तरफ से किए गए आलोचना का तुरंत असर राजद पर देखने को मिला और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी भूल सुधारते हुए आनन फानन में श्याम रजक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया है, जिसकी पुष्टि खुद श्याम रजक ने भी की है। आपको बता दें, श्याम रजक ने चुनाव के दौरान ही जदयू का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद वो राजद में शामिल हो गए थे। नलकूप की मेंटेनेंस का शुरू हुआ काम। नलकूप के संचालन को लेकर तैयारियां शुरू है। जानकारी के अनुसार अब इन खराब पड़े नलकूपों को ठीक करने के साथ ही मेंटेनेंस का काम भी जनप्रतिनिधियों को सौंपने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर कटिहार जिले के कारगिल चौक पर स्थित प्रशाल भवन में लघु जल संसाधन विभाग ने राजकीय नलकूप योजना का सफलतापूर्वक संचालन के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके किया था। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि नलकूप से जुड़े तमाम मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अब पंचायत की होने वाली है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी की जीत हुई पक्की। पर बीते दिन शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने अपना नामांकन भर दिया था। वहीं नामांकन भरने के साथ ही इन दोनों का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी साल 2006 में जब सुशील मोदी ने भागलपुर लोकसभा सीट छोड़ी थी तो शाहनवाज उपचुनाव में उम्मीदवार बने और जीते। वहीं पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद रिक्त हुई सीट पर मुकेश सहनी ने नामांकन दर्ज किया है। इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक रहेगा। दोनों सीटों के लिए कोई और नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए इनकी जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें, 2 सीट भाजपा नेता सुशील मोदी और विनोद नारायण झा को मिले अतिरिक्त प्रभाव के कारण खाली हुई थी। मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी है और ज्यादा समय। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। बीते दिन तक ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हालांकि इसको लेकर बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के बाद जब सीएम नीतीश पार्टी दफ्तर से निकले तो मीडिया ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को यह नहीं होगा, लेकिन जल्द होगा। आपको बता दें, वर्तमान में नीतीश सरकार में 13 मंत्री शामिल है। विस्तार के बाद 23 और मंत्रियों के शामिल होने की गुंजाइश है। बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट हुआ जारी। बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है।
वहीं ठंड को ध्यान में रखते हुए ही मौसम विभाग ने सभी जिलों में लोगों से आने वाले कुछ दिनों तक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में मंगलवार को कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति के सामने परेड करने की कही बात। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार ने अपना बयान जारी कर दिया है। हालांकि बीते कई दिनों से तेजस्वी लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते दिन राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात की थी। वहीं अब एक बार फिर से तेजस्वी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि सड़क छोड़िए, अब तो लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए एक महीने का समय है, वरना महागठबंधन के सारे विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 5-6 दिन बीत जाने पर भी रुपेश सिंह मामले में पुलिस के हाथ खाली है। सवाल किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की तरह पुलिस दोषियों को बचाने का काम तो नहीं कर रही है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था IBPS ने एनालिस्ट, प्रोग्रामर, IT सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, IT इंजीनियर के कुल मिलाकर 6 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में BE, BTech या MCA, MSc की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए निर्धारित उम्र सीमा 21 से 35 साल तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8/2/2021 तक IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार में ग्राम कचहरी की सेवा अब होगी 60 साल तक। पंचायती राज विभाग ने हाल ही में ग्राम कचहरी सेवा को लेकर अपना प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा अब 60 साल की उम्र तक करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसको राज्य कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। आपको बता दें, राज्य की सभी 8,387 पदों में ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। ग्राम कचहरियों के बेहतर संचालन और उसके कागजात आदि की देखरेख के लिए सभी में सचिव की तैनाती की गई है। कचहरी सचिवों का चयन 5 साल के लिए किया जाता है। नियुक्ति के बाद इनकी सेवा अवधि को विस्तार भी दिया जाता है, लेकिन अब इसकी सेवा 60 साल तक ही होगी। खराब मौसम के कारण दरभंगा आने जाने वाले विमानों को किया गया रद्द। मौसम का असर अब विमानों पर भी देखने को मिलने लगा है, जिसके तहत दरभंगा आने जाने वाले फ्लाइट को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले भी लो विजिबिलिटी के कारण विमानों के परिचालन को रद्द किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात स्पाइसजेट के एक अधिकारी ने कहा है कि सभी यात्रियों को पूर्व में ही फ्लाइट रद्द होने की सूचना दे दी गई थी। जब उनसे यह पूछा गया कि दिन में तो धूप निकली थी, फिर फ्लाइटों को क्यों रद्द किया गया, तो उन्होंने कहा कि सुबह में घना कुहासा देख कंपनी ने सुरक्षा कारणों में फ्लाइट को रद्द किए जाने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट से अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद की हवाई सेवा उपलब्ध है। बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर की बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने दिया सरकार को सलाह। बिहार पुलिस में कुछ दिनों पहले ही ट्रांसजेंडर की बहाली का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को सलाह देने का काम किया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उनके लिए कम से कम अलग से पुलिस यूनिट क्यों नहीं बनाई जाए। सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर कोर्ट का कहना है कि यदि ट्रांसजेंडरों के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है तो कम से कम पुलिस यूनिट का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख आगामी 28 जनवरी को तय की है। गावा में टेस्ट सीरीज पर टीम इंडिया ने बोला धावा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए चौथे और आखिरी रोमांचक मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में टीम इंडिया ने कई इतिहास रच दिए हैं, जिसके तहत ऋषभ पंत के 89 रनों की नाबाद पारी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। ऋषभ पंत के अलावा इस मैच में शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी खेली, वहीं पुजारा ने 56 रनों की शानदार पारी खेली और 328 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों की बहाली का बिहार सरकार का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।